हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बेस्ट अनु गुप्ता। आज मैं आपके साथ अपना फेवरेट खाना शेयर कर रही हूँ कि मेरे को बहुत जो पसंद है, तो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या पसंद है। ये है राजमा, आप देख रहे होंगे मैंने ये बॉईल कर रखे हैं राजमा, और उनके उसके लिए मैं आज बना रही हूँ राजमा चावल, जो मुझे बहुत ही पसंद है, शायद आप सबको भी बहुत पसंद होंगे। तो मैं सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं। देखिए इसको मैं कैसे बनाती हूँ। टमाटर है, प्याज है, नॉर्मल है, अदरक है और मिर्च है। लहसुन मैं खाती हूँ, मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता लहसुन, तो इसलिए मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। और आप लोग को पता ही है कि बहुत सिंपल रेसिपी है राजमा चावल, बट लेकिन मुझे लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो आइए करते हैं आपके साथ शेयर कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। ये रिफाइंड है, आप ये थोड़ा सा रिफाइंड कढ़ाई में डाल लीजिए। रिफाइंड जब गर्म हो जाए तो इसमें प्याज गिर लीजिए, प्याज गिरिए, बाकी अदरक और हरी मिर्च है उसको भी साथ में गिरिए, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसके अंदर प्याज गिरने जा रही हूँ। प्याज को मैंने थोड़ा रफली ही चॉप किया है, क्योंकि मेरे को क्रंची बड़ा अच्छा लगता है सब्जी के अंदर, खासकर राजमा में। ये प्याज डाल दी और ये आप हरी मिर्च और अदरक भी डाल दिए साथ में। प्याज करने के बाद हमें इसमें टमाटर डाल दीजिए। मैं प्याज को ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता, अजीब सा लगता मेरे को। और आपको जैसे ठीक लगे आप उसका भून लीजिए। फिर हम मसाले हैं, फिर हम इसके अंदर मसाले गिरेंगे। हल्दी, मिर्च कम डाली, हरी मिर्च ऑलरेडी डाली है और मसाले में भी गरम मसाला भी डालूंगी, तो इसलिए लाल मिर्च को मैंने कम ही रखा हुआ है। सारे मसाले चलाइए, जब ये तेल छोड़ने लग पाए तब मैं समझिए मसाला पक गया है। गरम मसाला भी डाल दिया मैंने, ऐड कर दिया। गरम मसाले को अगर हो सके आप लोग भी एक कंटेनर में रखा करें बंद करके, जिससे उसकी खुशबू रहे, वरना गरम मसाला अगर आप किसी मसालेदानी के अंदर रखते हैं तो उसकी सारी महक उड़ जाती है, उसमें फिर वो मजा नहीं रहता जो एक कंटेनर के अंदर पैक रहता है। ये चल रहा है, अभी मसाला अच्छे से बन जाएगा। आप ये टमाटर प्याज को मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, जिससे थोड़ा जल्दी बन जाता है, बट मैं इसको हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इस मसाले को बनने में, टमाटर जो कि सारे पेस्ट की तरह प्यूरी हो जानी चाहिए, दिखने नहीं चाहिए, ताकि वो मुंह में भी ना आए। अभी बन गया है मसाला, आप देख रहे होंगे सारा बन चुका है। मैं इसको अब कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि मैं राजमा के अंदर बॉइल राजमा में दो सीटी लगा सकूँ। इससे क्या होगा, एक तो मसाला अच्छे से पक जाता है और वो राजमा में भी अंदर तक डिजॉल्व हो जाता है, सारा मसाला अंदर तक चला जाता है राजमा के। ऐसे अगर डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। ये है मेरी आज की ये टिप है, एडवाइस है
कि राजमा जब भी आप बनाएं तो मसाले को पहले कुकर में डाल दीजिए राजमा के साथ, और उसको दो सीटी लगवाएं ताकि राजमा बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। जैसा कि आप लोग करते भी होंगे, अगर जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ करके देखिएगा और फिर मेरे को बताइएगा ही कैसे बनेंगे जो आपने बनाए हैं, बनाओगे अगर। देख रहे होंगे इसके अंदर मैंने मसाला घेर दिया है, थोड़ी सी तरी एक्स्ट्रा रखी है ताकि राजमा अच्छे से बन जाए मेरे, वरना कई बार होता है तरी कम पड़ जाती है। उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगा के दो सीटी लगवा देंगे तो राजमा तैयार हो जाएंगे। ये सीटी लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, दो सीटी लगेंगी, गैस को तेज पे ही रखेंगे हम और वेट करेंगे। उसके बाद हम तैयारी करेंगे अपने चावल बनाने की, तो आइए बनाते हैं। ये चावल के लिए मैंने कुकर ले लिया है जिसमें मैंने रिफाइंड गिरा है, और मैं इसमें गेहूं में जीरा और नमक, जीरा आप अपने हिसाब से गिर सकते हैं, जीरा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है चावलों में तो मैं ज़्यादा गिरती हूँ, और नमक ताकि चावल फीके ना बने। पक जाए अच्छे से, जीरा पक चुका है, इसके अंदर आप चावल डाल देंगे अपने। इसमें एक गिलास पानी डाल के दो सीटी लगाएंगे, एक तरफ मेरे राजमा रख दिए और एक तरफ मैंने चावल रख दिए अपने, ताकि दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाए। ढक्कन लगा दिया मैंने, गैस तेज कर रखी है, दो सीटी लगा के इनका वेट करते हैं बनने का। जैसा आप देख रहे हैं कि ये राजमा बन चुके हैं और यहाँ चावल भी बन चुके हैं। अब मैं इनको अपने खाने के लिए अपनी प्लेट में निकाल देती हूँ। ये रेडी हो गए हैं मेरे राजमा चावल, और आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा मेरे पसंद का खाना। आप भी बनाइएगा, बताइए, अपनी शेयर करिएगा, अपने सब्सक्राइब कीजिएगा द बेस्ट अनु गुप्ता को, और लाइक करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए, मुझे बताइएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। सी यू टाटा, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।